हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम अगर बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। और जिसमें हमारा जो अभी जो कॉन्टिनेंट है, यानी जो महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है यूरोप महाद्वीप। बच्चों, जैसे कि अगर जो भी बच्चे नए हैं, मैं उनको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग जैसे विश्व भूगोल है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें हम लोग पढ़ते क्या। तो दोस्तों, जो अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है, यानी सात जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इनको हम लोग सात जो कॉन्टिनेंट है विश्व में या पूरे अर्थ के ऊपर, इनका हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट का हम लोग जानते हैं, तो हम मैं आपको एक बार बता दूं। वैसे तो मैं बताया, पीछे बताया है मैंने, लेकिन एक बार फिर भी बोल देता हूं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ओशिनिया कॉन्टिनेंट और दोस्तों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये दोस्तों सात बड़े महाद्वीप हैं जिनके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं इस किसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत। तो हमने दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हम लोग दोस्तों इसमें तीन कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं। कौन कौन से वो, तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये तीन कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी जो हमारा चौथा कॉन्टिनेंट जो चल रहा है या जो जो महाद्वीप है, वो है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों हमने कल यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू किया था। कल हमने दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू किया था, ठीक है मेरे बच्चों। यूरोप कॉन्टिनेंट को इंग्लिश में लिख रहा, तो इंग्लिश में ही लिख दूं। यूरोप कॉन्टिनेंट कल हमने शुरू किया था, ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप कल मेरे बच्चों मैंने कल शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कल बहुत सारी चीजें बेसिक बताई कि यूरोप कॉन्टिनेंट अर्थ पे कहाँ लोकेटेड है, अर्थ पे उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके चारों ओर कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं या कौन कौन से लैंड जो क्या कहते हैं महाद्वीप हैं जो टच करते हैं, ये सारी चीज़ें कल मैंने बेसिक चीज़ें इसमें बताई कि नॉर्थ इसकी यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, इसके पश्चिम में दोस्तों अटलांटिक महासागर है, इसके साउथ में दोस्तों देखेंगे तो भूमध्य महासागर है, और इसके दोस्तों वेस्ट में देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट टच करता है। कल मैंने लोकेशन बाकायदा डायग्राम सहित मैंने आपको कल पूरा वर्ल्ड मैप बना के दिखाया था कि कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से टच कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है, और कौन कौन सी वाटर बॉडीज यानी कौन कौन से सागर या महासागर इससे इसके चारों तरफ हैं। तो कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो जो भी बच्चे नए हैं वो कल की क्लास देखेंगे, और कल ही मैंने दोस्तों नॉर्थ यूरोप के कुछ देशों की चर्चा की थी। जैसे मैंने आपको स्वीडन के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको दोस्तों नॉर्वे के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको दोस्तों फिनलैंड के बारे में पढ़ाया था, फिर आइसलैंड कंट्री के बारे में मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने आपको डेनमार्क के बारे में पढ़ाया था दोस्तों। तो कल मैंने इतने कंट्री जो है कल हमने यूरोप के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग दोस्तों उसी से आगे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग दोस्तों उसी के आगे क्लास शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि कल की क्लास आप देख लें और इसको भी कंटिन्यू करें। कल की क्लास देखेंगे, थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं, वहाँ पर कल समझने वाला ज़्यादा चाहिए। कल मैंने डायग्राम बना के समझाया था, आज आपको ज़्यादा लिखना हो सकता है। कल मैंने लास्ट में कुछ लिखाया है, थोड़ा सा तीन चार जो कंट्री बताए हैं तो इनके बारे में थोड़ा लिखाया है, तो आप इनको आराम से देखें। और हाँ, कल की क्लास इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि कल मैंने वहाँ पर आपको चार क्वेश्चन बता दिए कि चार क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं स्वीडन नॉर्वे एवं दोस्तों फिनलैंड के बारे में। तो कल दोस्तों आपकी कल की क्लास आपके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग यूरोप के प्रति दोस्तों डेवलप होगी, ठीक है। तो कल की क्लास आपको देखना है, और आप इसको भी दोस्तों देखते रहें साथ में, ठीक है। कल पहले नोट कर ले, फिर आज की क्लास को कर लेंगे तो आपका दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से कंटिन्यू करते रहें डेली डेली। तो दोस्तों हम यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, तो हमने दोस्तों कल तीन चार पांच कंट्री मैंने बताया पढ़ाया, और आज हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं दोस्तों जर्मनी, एक नए कंट्री से दोस्तों, ठीक है। कंट्री वाइज पढ़ेंगे हम लोग, नए कंट्री से पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके पास अगर एटलस हो, देखो एटलस, आप थोड़ा अगर आपके पास एटलस हो यूरोप कॉन्टिनेंट का, तो बस आप एटलस खोल के रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एटलस को खोल लेंगे, और आप अपने एटलस को जब खोलेंगे तो उसको खोल के रख लेंगे, ठीक है, अपने टेबल के ऊपर, जो उसका पॉलिटिकल वाला जो पक्ष है यानी जो राजनीतिक होते हैं, क्योंकि एटलस जब लाएंगे तो आपके पास एटलस का दो दो पार्ट होगा, यूरोप का एक फिजिकल पार्ट होगा, एक पॉलिटिकल पार्ट है। तो आपको पॉलिटिकल वाला पार्ट जो है खोल कर अपने टेबल के सामने रख लेना है यूरोप में, और आपको आराम से बस जो मैं करता हूँ, जो मैं कराता हूँ यहाँ पर, उसको देखते चलना है। ये मक्खी पता नहीं कहाँ से रोज रोज आ जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए देखिए, तो दोस्तों मैं आज जर्मनी को देखो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जर्मनी देखो कहाँ पर है। तो जैसे कि आप जब यूरोप कॉन्टिनेंट अपना खोलेंगे तो आपको दोस्तों जर्मनी
इस तरीके से कंट्री देखने को मिल जाएगी जर्मनी, ठीक है। यहां पर आपको बीच में मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर दोस्तों आपको इसके ऊपर यहां नॉर्थ में आपको डेनमार्क है, डेनमार्क के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको जर्मनी मिल जाएगी। तो यहां पर इसके दोस्तों नॉर्थ में कौन से है कंट्री है, ठीक है, डेनमार्क है। मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूं इसकी कहां पर है जर्मनी, ठीक है, बहुत आराम से आप समझते चलेंगे। फिर इसके दोस्तों इधर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दोस्तों एक कंट्री मिलेगी पोलैंड, ठीक है। आपको फिर इधर इसके देखेंगे एक कंट्री मिलेगी देखो चेक रिपब्लिक, ठीक है। जर्मनी की बात कर रहे हैं, कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, तो जर्मनी की, आप जर्मनी यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। आप लोकेशन देखेंगे मैप में, मैं दिखा रहा हूं आपको सिर्फ, आप देखते चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। चेक रिपब्लिक के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक कंट्री मिलेगी दोस्तों जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया दोस्तों कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समय ऐसा था यूरोप में दोस्तों ये बहुत पावरफुल हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट यहां पर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड कंट्री है दोस्तों यहां पर आपको मिलेगी। फिर दोस्तों यहां पर आपको ये इस तरीके से आपको यहां पर दोस्तों एक कंट्री मिलेगी, ठीक है। आपको यहां पर एक कंट्री इधर साइड मिलेगी दोस्तों फ्रांस है, ठीक है। तो यानी जर्मनी एंड फ्रांस दोस्तों दोनों एक दूसरे बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर फ्रांस के जस्ट यहां पर आपको दूसरी एक कंट्री और मिलेगी जिसका नाम होगा लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, बी ओ यू आर जी, लग्जमबर्ग। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक कंट्री मिलेगी लग्जमबर्ग के बाद दोस्तों बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम के बाद दोस्तों यहां पर एक कंट्री आपको मिलेगी दोस्तों जिसका नाम होगा नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो दोस्तों आप देखें जर्मनी के चारों तरफ, यानी जर्मनी को अगर हम सेंटर मान लें तो इसके चारों तरफ कितने कंट्री है, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नाइन कंट्री दोस्तों इससे बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। आप अब ये सोचिए अगर हम जर्मनी को सेंटर बना लें यूरोप में तो देखिए हम नाइन कंट्री कवर कर लेंगे इससे, ठीक है, नाइन कंट्री हम कवर कर लेंगे। आप अपने अगर एटलस में देखेंगे, और जिनके पास नहीं है वो यहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको समझ में आ गया कि हाँ ये देखो ये जर्मनी का नॉर्थ है, ये जर्मनी का साउथ है, ये जर्मनी का दोस्तों ईस्ट है, और ये जर्मनी का वेस्ट है, यानी नौ उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ठीक है। तो नॉर्थ में देखें आपको डेनमार्क की कंट्री दिख रही है, ईस्ट में देखें आपको पोलैंड, चेक रिपब्लिक, और दोस्तों एक इधर ऑस्ट्रिया भी थोड़ा ईस्ट में ही है। फिर साउथ में आप ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड दोनों को रख सकते हैं, फ्रांस है पश्चिम में दोस्तों, फिर इधर लग्जमबर्ग है पश्चिम में, बेल्जियम पश्चिम में, और नीदरलैंड। तो ये देखिए दोस्तों आपको जर्मनी अगर हम एक सेंटर बना लें और उसके तरफ देखिए हम दोस्तों नाइन कंट्री दोस्तों पढ़ लेंगे आराम से। तो इसलिए मैंने आपको जर्मनी को सेंटर बनाया है और फिर यहां से हम लोग इन देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सा कंट्री पढ़ना है, तो सबसे पहले दोस्तों जर्मनी को, बात को देखकर समझें। मैं आपको एज आ वैसे नहीं देखो कवर कराना चाह रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मैप में देखें और आपको थोड़ा आसान सा लगे पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो जर्मनी को सेंटर बनाया और फिर मैंने आपको इतने कंट्री आपको दिखा दी कि ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ठीक है। तो आप हम लोग दोस्तों जर्मनी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और आपको जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको वैसे ही डायग्राम बनाते चलना है, ठीक है। तो आप अपने पेज पर जर्मनी को बीच में रख के इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा और फिर एक एक कंट्री को हम लोग पढ़ेंगे, पहले जर्मनी को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग पहले जर्मनी को पढ़ेंगे। तो सॉरी दोस्तों, तो अब आप लोग की हेडिंग रहेगी दोस्तों जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। अब हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं यूज कर दूंगा, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, जर्मनी, सॉरी जर्मनी, और दोस्तों इसकी हिंदी में दोस्तों ऐसे जर्मनी होता है, ठीक है, जर्मनी, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक जर्मनी हो गई, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, ठीक। अब मैं आपको जर्मनी दिखाता चलूंगा कि जर्मनी में कौन सी चीज कहां पर है, बस आपको खाली ध्यान देना है मेरे, मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखते चलना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। अरे यार ये आज क्या हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल मतलब राजधानी इसकी क्या है, यानी इसकी कैपिटल क्या है जर्मनी की, तो हमें पता होना चाहिए। तो जर्मनी की दोस्तों कैपिटल है दोस्तों बर्लिन, नाम आप लोग सुनते रहोगे बर्लिन, ठीक है, ऐसे बर्लिन लिख लेंगे, ठीक है, चुप बर्लिन, इसकी दोस्तों कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं उनके देशों के दोस्तों क्या है कंट्री आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में दोस्तों इनकी सीधे सीधे डायरेक्ट कंट्री पूछी, कंट्री की दिशा से सीधे कैपिटल पूछ ली जाती है कि इसकी कैपिटल बताइए, तो आपको कैपिटल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें दोस्तों इसका सेकंड जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों,
और वो क्या है दोस्तों, तो उसको याद रखना है। तो दोस्तों इसका एक प्लेस है दोस्तों जिसका नाम है बर्लिन लिखा, फिर इसके बाद देखो इसका एक प्लेस है एसेन, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, एक इससे पहले एक और पढ़ें, हमबर्ग पोर्ट दोस्तों, एक इसका हमबर्ग पोर्ट, कौन सा पोर्ट दोस्तों, इसका क्या एक पोर्ट है दोस्तों, कौन सा, हमबर्ग पोर्ट, किसका दोस्तों, जर्मनी का है, कहां पर, मैं अभी दिखाने वाला हूं, लेकिन बस पहले आप लिख लें, पहले आप लिखें, मैं सबको दोस्तों वहां पर जर्मनी के यहां पर सबको दिखाऊंगा कौन कहां पर है, बस पहले आप एक बार पहले लिखें हमबर्ग पोर्ट में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट ये है हमबर्ग पोर्ट की दोस्तों, ये अल्बे रिवर पर स्थित है, लोकेटेड ऑन एल्बे रिवर, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो लिखेंगे जो हिंदी वाले हैं, यह एल्बे नदी पर स्थित है, या एल्बे नदी पर स्थित है, हमबर्ग पोर्ट कहां पर है, तो एल्बे नदी पर, और है किसका दोस्तों, जर्मनी का, मैं अभी इसको लोकेशन में दिखाने वाला हूं, लेकिन आप पहले लिख लें, ठीक है, मैं चाहता हूं पहले आपके पास एक नोट्स हो, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट जो प्लेस है वो आपको याद रखना है, आपको रूहर सुन के एक मिलता होगा दोस्तों, आपको रूहर प्रदेश है ना, रूहर क्षेत्र दोस्तों यहाँ का जर्मनी का बहुत फेमस है, क्यों फेमस, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर एटलस जब देखेंगे तो आपके साथ एटलस में रूहर ना लिखा हो, उसकी जगह पे एसन लिखा होगा, तो चाहे रूहर हो चाहे एसन हो, वो मतलब एक ही है, ठीक है, तो रूहर एक प्लेस है दोस्तों एसन के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों रूहर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछा जाता है कि जो रूहर है वो किस देश का प्लेस है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट शहर है, और किस लिए फेमस है ये इंपॉर्टेंस, तो दोस्तों ये कोल रीजन है ना, फेमस फॉर कोल रीजन मतलब कोयला उत्पन्न, कोयला क्षेत्र है दोस्तों, कोल रीजन मतलब कोयला क्षेत्र है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अगर आप बात करें, जब हम इंडिया पढ़ते हैं तो इंडिया में दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूहर प्रदेश बोला जाता है ना, क्योंकि वहां पर इंडिया का लगभग 70% जो मिनरल्स है या जो खनिज संसाधन है वो दोस्तों हमको छोटा नागपुर का पठार में मिलता है, इसीलिए दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, भारत का रूहर प्रदेश बोला जाता है। तो रूहर दोस्तों शब्द जो आया है वो जर्मनी के रूह प्लेस से आया, क्योंकि यहां पर कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला और दोस्तों आयरन यहां पर बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये फेमस है दोस्तों कोल रीजन के लिए। तो याद रखिएगा रूहर जो है, या आपके जब एटलस देखेंगे तो आपको एटलस में एसन लिखा होगा, लेकिन आपको एसन की जगह दोस्तों रूहर को लिखना है, मैंने एसन इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको एटलस में रूहर नहीं मिलेगा, वो एसन के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है कि दोस्तों ये रूहर किस लिए फेमस है, ये है कहां पर, जर्मनी में, किस लिए फेमस है, तो कोल रीजन के लिए, ये दो चीजें आपको याद रखना है। देन इसके बाद दोस्तों यहां पर और याद रखना है बोन को दोस्तों, ठीक है, बोन एक शब्द मिलेगा, ये आपको बस ऐसे लिख लेना है, बोन कहां पर है, बोन दोस्तों जब आप क्या कहते हैं, जब बोन एक जो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बोन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किसका हेडक्वार्टर है बोन दोस्तों, ठीक है, किसका हेडक्वार्टर है बोन, ये जर्मनी में है दोस्तों बोन, और ये हेडक्वार्टर है दोस्तों किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी किस संस्था का दोस्तों ये क्या है, ये हेडक्वार्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, मैं आपसे, आपको एक टास्क है आपके लिए, आप ढूंढेंगे इसको किसका है तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करके। देन इसके बाद दोस्तों बोन के बाद दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस आएगा फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, देखो रूहर के दोस्तों रूर ऐसे लिखा जाता है, रूर ऐसे हिंदी में रहेगा, हमबर्ग पोर्ट को दोस्तों ऐसे हिंदी में लिखेंगे, सॉरी मैं बोल गया, हमबर्ग पोर्ट मतलब दोस्तों बंदरगाह होता है, ठीक है, पोर्ट मतलब दोस्तों बंदरगाह होता है, और यहां कोयला उत्पादन के लिए दोस्तों रूर जो है कोयला उत्पादन के लिए मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, ये दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों यहां का दोस्तों क्या है, ये इंडस्ट्रियल शहर है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट जो सिटी है दोस्तों वो दोस्तों जर्मनी में दोस्तों एक इंडस्ट्रियल शहर है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल शहर है, यानी ये दोस्तों औद्योगिक सिटी है दोस्तों, ये औद्योगिक सिटी है, जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई है ना, ये सब दोस्तों क्या है, ये दोस्तों इंडस्ट्रियल है ना दोस्तों, ये सिटी है, तो इसी तरह दोस्तों फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये क्या है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है दोस्तों, यानी औद्योगिक शहर है ये, तो फ्रैंकफर्ट को याद रखिएगा दोस्तों आप लोग,
ठीक है मेरे बच्चों, फ्रैंकफर्ट को याद रखेंगे, ठीक, फ्रैंकफर्ट। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक प्लेस और इंपॉर्टेंट है जो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, यूपीएससी पीसीएस में, सॉरी प्री में। तो दोस्तों याद रखना यहां पर प्लेस है दोस्तों एक म्यूनिक, म्यूनिक, म्यूनिक हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे म्यूनिक, ठीक है, म्यूनिक, म्यूनिक इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो म्यूनिक इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों जो वाद्य यंत्र होते हैं, यानी जो जो संगीत वाले जो यंत्र होते हैं, जो संगीत वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो उपकरण जैसे सितार है, गिटार है, इनका दोस्तों यहां पर मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों, यहां पर ये दोस्तों मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी बनते हैं यहां पर, कौन कहां पर, म्यूनिक में, कहां पर, जर्मनी के म्यूनिक में दोस्तों, कौन जो ये वाद्य यंत्र के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सिटी है। तो फेमस फॉर है ना, फेमस फॉर दोस्तों किस लिए दोस्तों, सिंगिंग दोस्तों इंस्ट्रूमेंट, यानी लिख सकते हैं वाद्य यंत्रों के लिए, हिंदी में लिखेंगे वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन दोस्तों, तो जर्मनी, जर्मनी का कौन सा सिटी दोस्तों शहर, तो म्यूनिक, म्यूनिक, म्यूनिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने देखो अब एक बार मैं रिवीजन कराता हूं आपको, तो आप सुनेंगे मेरी, आपने पहले ये सारी चीजें लिखी, लिखने के बाद मैं रिवीजन कराता हूं, फिर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कहां पर है ये। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको जर्मनी लिखाया, और जर्मनी मैंने आपको कैपिटल लिखाई बर्लिन, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको इसमें हम्बर्ग पोर्ट पढ़ाया दोस्तों, हम्बर्ग पोर्ट दोस्तों कहां पर है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, ये लोकेटेड ऑन अल्बे रिवर, यानी ये अल्बे रिवर पर दोस्तों स्थित है, ये रिवर हम लोग बाद में अभी पढ़ेंगे जब अलग से रिवर पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूहर दोस्तों, रूहर एक प्लेस है, रूहर प्लेस है एक दोस्तों एसन में है दोस्तों, और ये फेमस किस लिए है दोस्तों, तो ये कोल रीजन के लिए, यानी कोयला उत्पादन के लिए दोस्तों उत्पन्न, ठीक है, ये कोला क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। फिर बोन हमने बताया दोस्तों, बोन दोस्तों मैंने कहा कि आप किसी एक इंटरनेशनल दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का ये हेडक्वार्टर है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहां पर है, किसका हेडक्वार्टर है। दूसरा दोस्तों फ्रैंकफर्ट है दोस्तों, फ्रैंक के दोस्तों, सॉरी सॉरी के नहीं लिखा मैंने इसमें, फ्रैंकफर्ट होगा, फ्रैंक फर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट दोस्तों, फ्रैंकफर्ट दोस्तों किस लिए फेमस है, तो ये दोस्तों फेमस है दोस्तों, ये मैंने बताया ये इंडस्ट्रियल शहर सिटी है दोस्तों, यानी औद्योगिक शहर है ये दोस्तों, किसका, जर्मनी का। देन इसके बाद म्यूनिक दोस्तों, म्यूनिक दोस्तों आपको याद रखना है कि ये दोस्तों वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। म्यूनिक आपको एक चीज और बता दूं, यहीं पर जब हम लोग स्विट्जरलैंड पढ़ेंगे तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों एक प्लेस है ज्यूरिक, म्यूनिक और ज्यूरिक में दोस्तों अंतर याद रखिएगा, ज्यूरिक जो है, एक सेकंड, सॉरी 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 एक सेकंड, ये क्या होने लगा, ओ सही हो गया, अपने आप ही पता नहीं क्या होने लगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। तो हाँ याद रखना है कि ज्यूरिख जो है वो किस लिए, वो वहां पर दोस्तों वो वॉच, वॉच जो हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी के लिए फेमस है दोस्तों ज्यूरिख, किस कहां पर, ज्यूरिख दोस्तों स्विट्जरलैंड में, और म्यूनिक कहां पर है, तो जर्मनी, देखो जर्मनी एम आ रहा है यहां पर, तो दोस्तों म्यूनिक, म्यूनिक एम से म्यूनिक, एम देखो जर्मनी म्यूनिक, मगर वहां पे स्विट्जर, वहां पे जेड आ रहा है तो ज्यूरिख, जेड वहां साथ में है तो ज्यूरिख साथ में लेंगे ज्यूरिख, और यहां पर एम है तो म्यूनिक, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ज्यूरिख और म्यूनिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको उनको ऐसा लगता है कि ज्यूरिख म्यूनिक में, वो कभी कभी क्या होता है म्यूनिक के लगा देंगे दोस्तों स्विट्जरलैंड में, और ज्यूरिख के लगा देंगे जर्मनी में, सॉरी हाँ जर्मनी में। तो ये याद रखना है कि जर्मनी जी से शुरू होता है, ठीक है, तो जे जी और एम, एम मतलब जर्मनी, एम लास्ट वाले दोस्तों, और म्यूनिक मनी और म्यूनिक दोस्तों सेम लग रहा है, मनिक एम म्यूनिक, तो म्यूनिक दोस्तों जर्मनी में, और ज्यूरिख और स्विट्जर जर जेड, स्विट्जर यानी जेड वहां पर आता, तो ज्यूरिख, ठीक है। तो ये अभी मैं और आगे बताऊंगा तो आपको और क्लियरली हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इसको कि म्यूनिक यहां पर है, ठीक है। अब बच्चों हम शुरू करेंगे, इसको जानेंगे इनकी प्लेस दोस्तों, ये जर्मनी था आप समझ गए, ये है कहां कहां पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बर्लिन, आप बर्लिन दोस्तों इधर ढूंढेंगे, आप बर्लिन यहां पर स्टार की ओर आपको बना हुआ मिलेगा, बर्लिन यहां पर आपके नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपके क्या है दोस्तों बर्लिन, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि यहां पर हिंदी में अच्छे से आ जाएगा, बर्लिन, ठीक है मेरे बच्चों। और यहां पर दोस्तों आपको इस तरीके से गोल गोल मिलेगा आपको, यहां पर, यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा हम्बर्ग पोर्ट, कौन सा पोर्ट, हम्बर्ग, ठीक है हम्बर्ग। फिर यहां पर दोस्तों आप जब देखेंगे, यहां पर दोस्तों आपको, आपको इधर पे देखो देखेंगे आप, तो आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों एसएन, एसएन लिखा होगा, एसएन लिखा होगा,
ठीक है। और फिर यहां पर दोस्तों इसी के जस्ट नीचे यहां पर जब आएंगे तो यहां पर आपको बोन मिल जाएगा, BOON, बोन के बाद दोस्तों यहां पर जब आएंगे इस तरह नीचे की ओर तो यहां पर बीच में आपको फ्रैंकफर्ट मिल जाएगा, फ्रैंक ठीक है दोस्तों, फर्ट मिल जाएगा। और देन इसके बाद दोस्तों यहां पर आप जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे बॉर्डर पे आप देखेंगे, ठीक है, बॉर्डर पे देखेंगे तो आपको नीचे म्यूनिक मिल जाएगा, ठीक है, म्यूनिक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये प्लेस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जितने भी मैंने आपको प्लेस पढ़ाए हैं दोस्तों बहुत फेमस हैं, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है तो मैंने सबके फेमस के बारे में लिखा दिया। तो जर्मनी में दोस्तों आपको 6-7 प्लेसेस दोस्तों आपको याद रखना है, सिटीज और जो इसकी कैपिटल है और जो पोर्ट है, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग रिवर्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो आप जब कल की क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यूरोप को कैसे पढ़ेंगे। कल मैंने यही बताया था कि कहाँ पर है, कैसे पढ़ेंगे यूरोप को, किस तरीके से। तो कल की क्लास आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यूरोप कैसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपने दोस्तों जर्मनी तक का यहाँ का सफर लिख लिया होगा और लिखेंगे फटाक से, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ स्पेस ताकि आप बना लें इसको, और इसको जैसे कि आप पेज में ऊपर आपने बना ही लिया होगा, ठीक है, और ये आप नीचे से लिखना शुरू किए होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो दोस्तों आपने ये जर्मनी के बारे में लिख लिया होगा, ठीक है। हम चलें आगे, अब आगे बढ़ें, ठीक है, सारा क्लियर है ना? हाँ सारा कुछ क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जर्मनी के बारे में पढ़ लिया, अब जर्मनी के बाद में हम क्या करेंगे, जर्मनी के बाहर की कंट्री, और हम इधर से शुरू करेंगे, ऐसे पढ़ लें, ऐसे चलेंगे, इधर से चलते से दोस्तों सुई कैसे जुड़ती है, एंड क्लॉक वाइज घूमती है, तो हम क्लॉक वाइज चलेंगे ऐसे, है ना, क्लॉक वाइज, यानी यहाँ डेनमार्क, पोलैंड, फिर चेक रिपब्लिक, फिर इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इनकी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है मेरे बच्चों। देखो जहां पर डिटेल में लिखाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी शहर होंगे, मैं वहां पर जाऊंगा, जहां पर नहीं होगा वहां पर मैं बिल्कुल ही बस खाली उनका नाम, उनको लोकेशन दिखाकर, उनकी राजधानी बताकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नीड ही नहीं है। जब नीड नहीं है तो हम क्यों ज्यादा फालतू का पढ़ें, ठीक है। नहीं तो दो अनावश्यक चीजें दोस्तों हम भर लेंगे कॉपी में और फिर उनको भी याद करेंगे और हमारी जो मेमोरी की माइंड की मेमोरी फुल हो जाएगी, हैंग करने लगेगा। तो ज्यादा हम उतना ही पढ़ें जितना काम का है, वरना दोस्तों इसमें बहुत कुछ, हर सिटी के बारे में हम पढ़ने बैठेंगे तो जर्मनी दोस्तों एक सिटी थोड़ी ना है, वहां पर बहुत सारी, आज क्यों पता नहीं ये लाइट हमारे, आज हवा चल रही ना, विंड बहुत तेज हवा चल रही, तो इस वजह से लाइट हिल रही बार बार, तो इस वजह से ये जो ट्यूबलाइट्स हैं और ये जो बल्ब हैं जो दोस्तों ये थोड़ी बार बार ब्लिंक कर जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। तो क्या है कि हम लोग दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब जैसे हर देश की हर सिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के लिए वो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने दोस्तों जर्मनी के बारे में देख लिया पहले, अब हम लोग दोस्तों डेनमार्क की बात करें, तो डेनमार्क मैं ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूँ, आज मैं आपको सिर्फ लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा था कि जर्मनी के ऊपर दोस्तों है कहाँ पर। तो डेनमार्क दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों पोलैंड, ठीक है। तो अब पोलैंड दोस्तों आप लोग हेडिंग मतलब डालेंगे आप दोस्तों, पोलैंड दूसरा कंट्री है, ठीक है मेरे बच्चों, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड ऐसे लिख लेंगे, पोलैंड, ठीक है, इस पे डबल होगा, ठीक है, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड दोस्तों, एक सेकंड, यही, ठीक है, पोलैंड, पोलैंड की दोस्तों कैपिटल क्या है, कैपिटल सबसे पहले जानेंगे। लोकेशन तो आप समझ ही रहे हैं कि ये जर्मनी है यूरोप में, और जर्मनी के दोस्तों ईस्ट में यानी पूरब में दोस्तों देखेंगे तो हमको पोलैंड ऊपर की ओर दिख जाएगा, यानी ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, यानी या ऊपर भी नॉर्थ में भी रहेगा थोड़ा सा हल्का, और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको पोलैंड दिख जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो पोलैंड की दोस्तों कैपिटल क्या है दोस्तों, वर्साय, वर्साय दोस्तों बहुत फेमस है, वर्साय की संधि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, वर्साय की संधि दोस्तों आपने सुनी होगी, ठीक है, वर्साय की संधि आपने दोस्तों सुनी होगी, नाम दोस्तों कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, लाइट बार बार ब्लिंक कर रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। तो बच्चों आपने वर्साय का नाम सुना होगा, वर्साय ऐसे लिखा होता, वर्साय दोस्तों है यहाँ पर, वर्साय की संधि दोस्तों आपने सुनी होगी, ठीक है। इसी संधि के बाद दोस्तों क्या हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन हुआ था 1919 में, आपने शायद सुना होगा वर्साय की संधि के तहत इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो वो आप जब पढ़ेंगे तो बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि वर्साय दोस्तों कहाँ पर है, पोलैंड में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिटी, बस इसके बारे में, इससे ज़्यादा हमको पोलैंड के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, हमको पता हो गया कि जर्मनी के कहाँ पर है और इसकी कैपिटल क्या है, बस इससे ज़्यादा हमें इनके बारे में, अरे यार
ठीक है बड़े बच्चों, तो ये आपको क्लियरली, सॉरी दोस्तों बता रहा हूँ मैं, हवा बहुत तेज चल रही है इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि हिल रही बार बार बिजली हमारे यहाँ तार दोस्तों, इस वजह से ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। देखो फिर करने लगा, तो हम सोचे जल्दी से कवर कर लीजिए, तो हमको लग रहा है आज यहीं छोड़ना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो पोलैंड की बात हो गई दोस्तों, ठीक है तो पोलैंड की बात हो गई, ठीक है पोलैंड की बात हो गई, हमको लग रहा है आज हो नहीं पाएगा, ऐसे डिस्टर्ब करेगा बार बार तो आप लोग तो डिस्टर्ब होते रहेंगे बहुत तेज। देखिए देखिए पर्दा, देखिए आवाज आ रही है आपको, बहुत तेज हवा चल रही है। चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कर लेंगे आप आगे से आगे, ठीक है। नहीं तो क्या है दोस्तों कि फिर ये देखिए आज रुक ही नहीं रहा है, ठीक है तो अब हो गया सही हो गया, चलिए कर लेते हैं आगे थोड़ा सा सही हो गया तो ठीक है। हाँ चलिए, तो जैसे पोलैंड तक हम लोग बात कर लिए, पोलैंड की कैपिटल क्या है, वर्सा है, ठीक है वर्सा है दोस्तों पोलैंड की। इसके बाद दोस्तों हम देखिए हमने क्या बताया कि जब हम पोलैंड पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इसकी कैपिटल देख लेंगे, इसका लोकेशन देख लेंगे, बस हो गया काम इसका, ठीक है। देख लिए आप एटलस, आप कभी क्या कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ इसके या तो पूछा गया पोलैंड के सिर्फ कैपिटल आता पूछा, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा फेमस है नहीं, ठीक है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेडक्वार्टर हो या कोई इंपॉर्टेंट सिटी हो, कहीं कोई इंडस्ट्रियल सिटी हो, तो हम इसको इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट दोस्तों, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, ठीक है नेक्स्ट जो कंट्री है आप लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों, वो उसको डालेंगे चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, ठीक है चेक रिपब्लिक, ठीक है बच्चों चेक रिपब्लिक, ठीक। इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, तो इसकी कैपिटल है दोस्तों पराग्वे, हम लोग ये कंट्री पढ़ के आए थे साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में, और यहां पर पराग्वे दोस्तों उसकी क्या है कैपिटल है पराग्वे, ठीक है पराग्वे दोस्तों इसकी कैपिटल है, ठीक है बे भैया रुक जाओ, ठीक है पराग्वे इसकी क्या है दोस्तों कैपिटल है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा डिस्टर्ब होना बंद हो जाओ, ठीक है पराग्वे दोस्तों इसकी क्या है कैपिटल है, किसकी चेक रिपब्लिक की, है कहां पर देखो देखेंगे आप तो जर्मनी के, ये यहां पर आपको दिखेगा, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, ठीक है इसीलिए मैंने आपको बनाया था कि आप एटलस में आराम से ढूंढ पाए, सेंटर में आपको जर्मनी है, इसके बाद में 9 कंट्री आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक, ठीक ये आ गया चेक रिपब्लिक हो गया दोस्तों, तो आपने देख लिया दोस्तों कैपिटल इसकी क्या है पराग्वे, और दोस्तों है कहां पर ये, बस इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है चेक रिपब्लिक, ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री देखो देखिए आप देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद तो आपके नेक्स्ट दिखेगा दोस्तों ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी भी जब, तो ऑस्ट्रिया के दोस्तों आप ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक समय ऐसा था दोस्तों कि यूरोप में इंग्लैंड को अगर अलग कर दिया जाए, एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि यूरोप में अगर इंग्लैंड को अलग कर दिया जाए तो ऑस्ट्रिया सबसे शक्तिशाली देश बन गया था, सबसे शक्तिशाली देश बन गया था, ठीक है। इतना ज्यादा इफेक्ट था दोस्तों इसने कि ये दोस्तों ये इसका जर्मनी फ्रांस, ठीक है और क्या कहते हैं इटली, इन पर प्रभाव था इसका दोस्तों, ठीक है। तो जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ऑस्ट्रिया का इतिहास दोस्तों पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया, ठीक है ऑस्ट्रिया का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। वहां पर आपको ये दोस्तों ऑस्ट्रिया कैसे पढ़ाते हुए मिलेगा, तो दोस्तों ये आपको आपको जब ये इटली का एकीकरण पढ़ते हुए मिलेगा तब यहां पर दोस्तों वैंकूवर, ठीक है तो उसका नाम दोस्तों आएगा जब ऑस्ट्रिया का, और फिर जब आप फ्रांस पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण जब पढ़ेंगे तब भी दोस्तों आपको ये ऑस्ट्रिया का नाम वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रिया दोस्तों उस समय जब आप देख ले, एक समय ऐसा आता है दोस्तों यूरोप में कि ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली दोस्तों देश होता ही है, ठीक है। तो ये जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी तो वहां पढ़ाएंगे दोस्तों, अभी थोड़ो यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल इसकी क्या है, यानी इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो दोस्तों राजधानी तो आप लोग जानते हैं वियना, क्या नाम है दोस्तों इसकी कैपिटल का, वियना, ठीक है। यानी अगर हिंदी बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है दोस्तों वियना, वियना, ठीक है ऑस्ट्रिया की कैपिटल दोस्तों वियना, ठीक है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है।
तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है दोस्तों वियना, ठीक है। तो वियना के बारे में दोस्तों जान गए, ऑस्ट्रिया किसकी कैपिटल है, वियना का, और उसकी दोस्तों लोकेशन देखेंगे आप यहाँ पर है। आज हमको लग रहा है यहाँ से हो नहीं पाएगा दोस्तों आज, ठीक है, आज हम लोग चलो यही तक करते हैं, आप इसके आगे तो कल कर लेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें, तो आप कल, वैसे भी आज की क्लास में ये पूरे हो भी नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाना है। अभी जैसे हम स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे, और लग्जमबर्ग के बारे में तो हम थोड़ा, ठीक है, लेकिन आज चलिए हम लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है आज हो नहीं पाएगा ऐसे, ठीक है मेरे बच्चों, कि डिस्टर्ब ज़्यादा हो रही है, लाइट बार बार हिल रही है, ठीक है, तो आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा होगा बार बार आँखों को। ये मक्खी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो लिख लिया आप लोगों ने फटाफट, तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और हाँ, वीडियो को दोस्तों अगर जो पहली बार देख रहा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों लाइक करके बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग भी पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्ते, बाय, जय हिंद।